नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देखिए सीकर संदेश। जेई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और शिक्षा नगरी सीकर में उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है। चारों तरफ बच्चों को इंस्टीट्यूट के लोग सम्मानित कर रहे हैं, उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और माता पिता भी उत्सव के माहौल का खूब आनंद ले रहे हैं। उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि अपने बच्चे को इतने बड़े मंचों से सम्मानित होते देख, जब बहुत सारे बच्चे उन्हें सुनने आते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, क्या चीज़ों का ध्यान रखा कि वो आज टॉपर बन रहे और इतने अच्छे तरीके से, इतने भव्य तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है। किसी भी माता पिता के लिए ये पल गौरव के होंगे ज़रूर ही, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो हमें जाननी होती है ताकि हम ये पता कर सकें कि कैसे टाइम पर ये डिसीज़न लिया गया कि ये इंस्टीट्यूट में बच्चे को डालना है, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाई करनी है, मैनेजमेंट को ऐसे मेहनत करनी है जिसका परिणाम ऐसे बेहतरीन स्कोर्स हों जो शिक्षा नगरी सीकर के माथे पर एक सितारे का काम करें। आज एक बार फिर से हम हैं सीकर के इंस्टीट्यूट सीएलसी में और यहाँ हमारे साथ है जेई में 228 स्कोर कर एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया 6th रैंक हासिल करने वाले प्रशांत मीना। कैसे हैं प्रशांत सर? अभी तो बहुत बढ़िया हूँ। मैं रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने में काफ़ी टाइम लगा, पर रिजल्ट जब देखा तब मैं बहुत खुश हो गया और मेरे सभी घर वाले खुश हो गए और मेरे को सभी मतलब बधाई देने लगे। मैं बहुत खुश था, मतलब कि मेरा जो पिछली 4 साल की मेहनत थी वो रंग लाई, मेरे लिए तो बहुत खुशी का माहौल था। अच्छा, सीएलसी में इंजीनियर श्रवण चौधरी अक्सर मंच से ये बोलते हैं कि है ना, आंखें बंद करके सोचो कि अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे घर वालों को सब बधाई दे रहे होंगे और अगर रिजल्ट खराब आया तो सब फोन को साइलेंट करके बैठे होंगे। सुना है कभी? यस सर। ओके, तो जब आप ये सुनते थे तो आपके मन में ये आता था कि नहीं, मैं तो अच्छा आ ही जाएगा मेरा, तो मैं तो पढ़ाई करूंगा और मैं ऐसा मौका नहीं आने दूंगा? यस सर, ये मेरा हमेशा से था। मेरा जेई मेन का स्कोर जो था वो वैसे अच्छा था, लेकिन जितनी मैंने मेहनत की थी उसके हिसाब से नहीं आया था। तो फिर मैंने कर ली थी कि अब एडवांस में करना है मेरे को जो भी करना है, तो फिर मैंने बस उसी के लिए तैयारी की। बहुत अच्छी बात है। सीएलसी से आप कब जुड़े और जब भी जुड़े तो सीएलसी को ही आपने क्यों चुना? सीएलसी में मैं 9th क्लास में आया था। सीएलसी जुड़ने का मेरा जो मेन कारण था, क्योंकि जो मेरे ताऊजी के लड़के हैं उनका 2012 में IIT जेई में सिलेक्शन हुआ था और उन्हीं की फैमिली से 3-4 और भी मेरे भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो वही मेरा कारण था इसमें सीएलसी में आने का। मैं जब आया था तब हम मतलब जितनी भी कोचिंग है, सीएलसी है और भी बाकी हैं, उन सभी को चेक करके गए। लॉकडाउन का टाइम था, उस समय हमें पता लग गया कि जो सीएलसी है वो सबसे बेस्ट है। और फिर सीएलसी के बाद जब 10th का रिजल्ट भी आया मेरा एसटीएससी का, तब भी जो बाकी कोचिंग है उनसे ऑफर आया कि आप इसको नीट में ले जाइए या इसको जेई में ले जाइए हमारी कोचिंग में, पर मैंने सीएलसी को ही चुना क्योंकि सीएलसी पे मेरे को भरोसा था 2 साल का उस टाइम पे, और फिर अब तो मैं कहूँगा कि मेरा डिसीजन सबसे अच्छा था। अच्छा, अब तो क्योंकि आपको 4 साल हो चुके हैं यहाँ पर, आपने इतना अच्छा स्कोर भी कर लिया, सीएलसी की क्या वो अच्छी बातें हैं जो आज के समय अभिभावकों के निर्णय को प्रभावित करें कि अगर आपको बच्चे को IIT कराना है, आपको अगर डॉक्टर बनाना है तो आप सीएलसी में उसको लेकर आए, ऐसा क्यों करें अभिभावक? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कैंप सिस्टम है, जैसे कि मेरे जो पेपर के पेपर से पहले के जो लास्ट 15 दिन थे उसमें मतलब कि मेरे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था मेरे घर के आसपास, तो अब वहाँ पे तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो सीएलसी में मैं आके कैंप में पढ़ाई करता था। और कैंप जो सिस्टम है ना वो मेरे हिसाब से सबसे मतलब कि फर्स्ट रीज़न यही है कि आपको सीएलसी में क्यों आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ की फैकल्टी, हर एक फैकल्टी को 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो बॉस रोज़ मोटिवेशन असेंबली देते हैं उससे बहुत मोटिवेशन होता है। जितनी भी डार्क एनर्जी है, जितनी भी बैड एनर्जी है, वो सभी चली जाती है और मोटिवेशन की फील होती है अगर आप उसको ध्यान से सुने तो। ओके, अच्छा, परिवार वालों को भी बड़ी ऐसे है ना उम्मीद रहती है कि ये बच्चा कुछ अच्छा करेगा। आपको कभी इन चीज़ों का ऐसे थोड़ा बर्डन महसूस हुआ कि अरे सबने मेरे से उम्मीदें लगा रखी, अगर मैंने अच्छा नहीं किया? जेई मेन के रिजल्ट के बाद मैं खुश नहीं था कि जैसा मेरा जेई मेन का रिजल्ट आया था। उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट था और जो सीएलसी का सपोर्ट था, बॉस ने पर्सनली बोला था कि तू एडवांस में करेगा, साहिल सर हैं और जितने भी टीचर हैं उन सभी ने मेरे को सपोर्ट किया। मैं बहुत मतलब कि लो फील कर रहा था उस टाइम पे, मेरे पेरेंट्स और टीचर यही मतलब कि पिलर की तरह मेरे साथ खड़े थे और इन्हीं की वजह से मतलब कि मैं कुछ कर पाया हूँ जो मैं किया। अच्छा, पढ़ाई का क्या शेड्यूल था, कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे,
या कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते थे, पढ़ने का तरीका क्या था, सिर्फ पढ़ते थे कि लिख के करते थे? अलग अलग बच्चों के होते हैं, कुछ लोग, कुछ बच्चे हमसे शेयर करते हैं कि वो दरवाजे पे और रूम की दीवारों पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स फॉर्मूलाज वो चिपका के रखते हैं। आपके बारे में बताएं, आपने कैसे किया? मैं मतलब कि ऐसे कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था, पर मेरा ये है कि जो भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उसमें मतलब पढ़ाई करता था। ऐसा कोई ये नहीं है कि अगर मेरे को एक्स्ट्रा एक घंटा मिल रहा है तो उसमें मैं पढ़ाई करूँगा। और सुबह से लेकर मतलब कि एकदम सुबह मैं जगता था 5 बजे के करीब और रात को 11 बजे के करीब सोता था, क्योंकि मैं ज़्यादा रात को नहीं जगता था। और मतलब कि इसमें खाना खाने और इसके अलावा जो भी मतलब टाइम मिलता था ना, वो पूरा मैं मतलब पढ़ाई पे ही लगाता था। और मेरे लिए ये कि मैं केमिस्ट्री को मतलब कि ऐसा लिखता नहीं था, पर मैं कहूँगा कि लिखना भी सही है, पर मैं जनरली मतलब कि एक बार उसको एक पेज पढ़ लिया तो उसको वापस से पढ़ो और उसमें मतलब कि चेक करो कि तुम्हें कितनी चीज़ ध्यान है। और एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी मतलब पढ़ना चाहिए, तो एनसीईआरटी को जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसको ऑलमोस्ट 10-12 बार तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, सभी वो ध्यान रहती है। और मेरे ये कि शेड्यूल वगैरह हैं वो मैं मतलब ये चिपका के रखता था दीवारों पे, और जो टेस्ट का सिलेबस है वो वाली चीज़ ऐसे, और वो भी मतलब फॉर्मूले हैं और नेम रिएक्शन है, उन सभी के चार्ट भी चिपका के रखता था। ये भी मतलब कि हेल्प देते हैं, जब भी अगर आपकी नज़र पड़ती है दीवार पे तो वो चीज़ रिकॉल आ जाती है। और एडवांस के पेपर से पहले एक क्वेश्चन था मतलब कि मैं भूल गया था उसको, और वो मैंने चेक किया मतलब कि फिर मैंने देख लिया कि अच्छा मैं भूल गया था, और एडवांस के पेपर में वही आ गया। अच्छा, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में अभी तो मैं सीएस लेके मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फील्ड में जाना चाहता हूँ, पर अभी अगर मतलब कि थोड़ा सा भी अगर मेरे को वो आया कि यूपीएससी में जाना है तो मैं फिर यूपीएससी में जाऊँगा। अच्छा, मतलब दो चीज़ों का करने का मन है कि या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या तो यूपीएससी करना है। तो अभी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला दिमाग में है। अच्छा, मतलब यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? अगर यूपीएससी करो कल को तो यूपीएससी क्यों करना चाहते हो? मैं मतलब कि जब भी घर से बाहर निकलता हूँ और कोई भी अगर चीज़ है ना, मेरे को अगर गलत लगती है कि यहाँ पे मतलब कि अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तब तो मेरा मन करता है कि मैं शिक्षा विभाग में होता है या फिर मैं किसी मतलब कि ऐसी सरकार में, अगर मेरा कोई ऐसे मतलब पावर होता आपके पास तो मैं इसको मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से करवाता। तो वही फील है कि अगर सरकार में जाना है तो यूपीएससी। सीकर का माहौल अच्छा लगा? हाँ, सीकर का माहौल अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल किया है अपनी एसटी कैटेगरी में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे कि ठीक है, अगर ने प्रशांत ने किया ना तो कैसे किया, क्या पूछा, ये सारा इंटरव्यू में हमने देखा। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए पर्सनली आपका क्या मैसेज होगा ऐसे बच्चों का जो आज के दिन या तो आईआईटी करने के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे होंगे या जेई की पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मेरा पहला मैसेज तो यही है कि कोचिंग जब भी आपको सिलेक्ट करनी है ना, तो मतलब कि उसके एकदम अंदर आपको मतलब कि जो भी उसमें कोचिंग में पढ़ रहा है उन सभी से एकदम जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो पता होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से जो हमें पता चलता है ना वो सही नहीं होता, कभी भी सही नहीं होता है वो चीज़। हमेशा जो बच्चों के जो कोचिंग में पढ़ रहे बच्चे हैं उनसे जानकारी रखनी चाहिए। और यह कि आपके जो सीनियर हैं, आपको सीनियर से आप पूछ सकते हैं जैसे कि उनके किस सब्जेक्ट में नंबर आए, उन्होंने किस सब्जेक्ट में मतलब कि कितनी मेहनत की। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने केमिस्ट्री में फिजिक्स और मैथ की कंपैरिजन में मतलब थोड़ी कम मेहनत की थी, लेकिन मार्क्स मेरे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ही आए, और मतलब कि मैथ्स और फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और ये है कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट मतलब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री आपको कभी वीक नहीं रखनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी क्लास चल रही है तो टाइम टू टाइम मतलब कि हर जो कल पढ़ाया ना वो आपको अगली क्लास से पहले पढ़ के आना है, और ये हर हर 2 साल करना है आपको, एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो फिर दिक्कत हो सकती है, और अगर आप 6 महीने भी इसको कर लोगे ना तो फिर अपने आप होती है चीज़। ये बहुत अच्छी बात है। और आपके फादर से, आपके पेरेंट्स से हम बात करें, उससे पहले एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बहुत अच्छे स्कोर ही नहीं किया बल्कि जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वो भी 100% एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी रही है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करी या कैसे कंसंट्रेट किया कि मुझे ठीक है ये क्वेश्चंस ऐसे करने ताकि कुछ भी निगेटिव मार्किंग नहीं हो? मेरे जो जेई मेन था तो मैं जेई मेन में जब भी करके आया दोनों ही अटेम्प्ट में तो मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन करके आया जिन पर मेरे को कॉन्फिडेंस था काफ़ी सारे उनमें से नेगेटिव चलेगा, तब मैंने कर लिया कि अब मेरे को क्वेश्चन जितने भी करने हैं ना, जितने भी दंगल हुए दंगल में मैंने ये चीज़ ठान रखी थी कि अब मेरे को नेगेटिव नहीं करने हैं। जितने अगर मैं क्वेश्चन कम कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं 32 भी क्वेश्चन कर रहा हूँ 54 में से तो 32 सही करूँगा, 40 कर रहा हूँ तो 40 सही करूँगा। ये नहीं कि अगर टाइम मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय जो मैंने क्वेश्चन किए उनको एक बार वापस से चेक कर लूँ उनमें गलती नहीं है क्या,
जेई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें तो आप अगर एक सेकंड भी आपका ध्यान भटका ना तो आपको -2, -1 यही मार्क्स मिलेंगे। और जेई एडवांस में मेरा भी यही था कि एकदम कूल माइंड से आपको पेपर देना है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट भी देते हो तो भी आप 36 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जो कि 66% मार्क्स होते हैं। सर आप बताएं, प्रशांत को जब आपने सीएलसी छोड़ा था तो क्या उम्मीदें आपने करी थी सीएलसी को, जब आपने चूज करा क्या सोचा था कि प्रशांत यहाँ पे आके कैसा कर पाएगा? सर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था सीएलसी पर और बॉस पर और यहाँ की फैकल्टी पर, और बच्चे पर भी मुझे विश्वास था कि मेहनत करेगा और सपोर्ट यदि सीएलसी और संस्था फैकल्टी का मिलेगा तो बच्चा जरूर कुछ करेगा। बहुत बढ़िया बात है। अब जब बच्चे ने इतना अच्छे स्कोर कर लिया है, एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया 6th रैंक हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे सीएलसी के बारे में, जो आपने सोचा था जो हुआ और जो परिणाम आया, अब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बेहद ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिस आशा के साथ मैंने बच्चे को यहाँ पर पहुँचाया था वो परिणाम मिले भी, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आगे भी सीएलसी इसी तरह और आगे बढ़े और भी बच्चे इसमें आएँ और इसी तरह का लाभ प्राप्त करें और अपनी भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। बहुत बढ़िया बात है। तो अब आपके आसपास के क्षेत्र में जो लोग होंगे, कोई आपसे पूछेगा कि सीएलसी अपने बच्चे को ले जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, पिछली बार भी 30 एडमिशन हुए थे मेरे। अच्छा, मेरे द्वारा? अच्छा, या ऐसे मान के चलो कि मेरे बताए द्वारा या मेरे से संपर्क के द्वारा। और इस बार भी आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि जितने मतलब बच्चे अपना धौलपुर जिला है जो थोड़ा एजुकेशन में पीछे है, तो वहाँ से जो बच्चे आ सके, यहाँ से बॉस का और सीएलसी संस्था का सानिध्य प्राप्त करके आगे बढ़ सके, वो मेरा प्रयास रहेगा कि धौलपुर से अधिक बच्चे यहाँ पर पहुँचा मैं। अच्छा, जैसे आपको 4 साल हो गए सीएलसी से जुड़े, इंजीनियर श्रवण चौधरी से आप मिले, आपने उनका व्यवहार देखा, क्या अलग लगा आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे क्या अलग है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी संस्था के जो मुखिया होते हैं उसकी उनकी जो डायरेक्ट पहुँच होती है वो इतनी नहीं हो पाती जितनी बॉस की है। सीएलसी का जो मुखिया है वो इतने पहुंच के लिए है कि बच्चे डायरेक्ट भी और अभिभावक डायरेक्ट मिल सकते हैं। मतलब ये मुझे मिलना बहुत आसान है, मिलना बहुत बेहद आसान है। तो आप मन की बात कह सकते हो? कह सकते हैं सर, दिक्कत हो तो बात कर सकते। बिल्कुल कह सकते हैं सर, और इतनी बड़ी संस्था को खुद डील कर रहे हैं, खुद फ्रंट पर खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर, मुझे ये बहुत अलग लगी सर। जी बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रशांत मीना और उनके फादर को। आपने जाना कि किस तरीके से प्रशांत के इतना अच्छा स्कोर करने में उसके परिवार और उसके इंस्टीट्यूट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, और इसी तरीके से लगातार मेहनत करते हुए सामने जो इंटरव्यू सुन रहे हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। इसी तरह के और सारे इंटरव्यूज टॉपर्स के हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए सीखा संदेश के प्लेटफॉर्म पर। जुड़े रहें सीखा संदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।